अमृता कैसी बेटा? ठीक है डैड, सो रही अभी। बेटा मैं कह रहा था कि डैड, प्लीज डैड, अभी लेक्चर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हो। प्लीज, जब मैं किसी चीज के लिए मना करता हूँ तू सुनता है क्या? तो मैं भी क्यों सुनूं तेरी? तुझे तो समझ भी नहीं है तू क्या कहता है, क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं है तुझे। क्या कह रहे हैं? जो दिख रहा है, तू अमृता के लिए जितना भी कड़वा बोल ले, लेकिन सच तो ये है तू उससे नफरत नहीं करता, बल्कि तेरे दिल में आज भी उसके लिए इज्जत है, उस पर भरोसा करता है, उसकी बातें अहमियत रखती है तेरे लिए। और जरा सा मुश्किल में पड़ जाए ना तो कूद पड़ता है उसे बचाने के लिए, कहीं कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बेटा मैं जानता हूं तू उन सब सबूतों पर विश्वास करता है जो अमृता के अगेंस्ट है। मैं समझ सकता हूं बेटा कि तुझे लगता है कि उसने तेरी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बेटा मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता क्या सच है क्या झूठ, मैं तो बस ये मानता हूं जो बीत गई सो बात गई। बेटा मां ठीक हो रही है, चलने लगी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो पुरानी बात को छोड़, उसके लिए आज क्यों बर्बाद कर रहा है तू अपना? और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अमृता प्रियंका जैसी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। बेटा अपने आप को मौका दे, यू डिजर्व वन। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है उससे जबरदस्ती शादी करके। अरे कोई भी लड़की ये उम्मीद नहीं करती कि उसकी शादी ऐसे होगी, खासतौर से उससे जिसने उस पर भरोसा किया। मैंने भी तो किया। वो तेरे लिए अपनों से लड़ी और जब उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे धोखा दे दे तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, किस पर यकीन करे, किस पर भरोसा करे, अपनी दोस्ती से या पूरी इंसानियत से। कभी फुर्सत मिले ना बेटा तो सोचना तू जिसे चोट दे रहा है ना उसने तेरी कितनी चोटों पर मरहम लगाया है, सोचना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भूल मत,
वो मोमेंट था और तेरे मुंह से निकल गया. क्या? इट वॉज जस्ट अ मोमेंट. तू कैसे भूल सकता है तूने उससे शादी बदला लेने के लिए की है ना. उसने तेरी मोम को जान से मारने की कोशिश की. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता. वो मेरी दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकती. कितनी बार उसने मेरा भरोसा तो हालत हुई है. बस ये बात अपने दिमाग में रख और इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अरे वाह, मेरी याद में अकेली बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो. आप मुझे पूल में धक्का क्यों नहीं देते थे? मेरी मुस्कुराहट भी चली जाएगी और मुझे आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा. आइडिया बुरा नहीं है, पर मैं करूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा. एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाती पूल में? डूबोगी तो बचा लूंगा. अरे रिलैक्स, तुम तो सीरियस हो गई यार. एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं. देखो इतना अच्छा अच्छा खाना ड्रिंक सब कुछ है, क्या है ना, अगर खाना खाओगी तो थोड़ा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और पूल में जाओगी तो डूबोगी तो जरूर. वैसे सेलिब्रेशन तो बनता है. पहली बार कोई अच्छा काम जो किया तुमने मेरे लिए. आज भी अच्छा ही करेंगे. इतनी मेहरबानी जस्ती नहीं है तुम पे. रुको यहीं, खाना लेके आता हूँ. सो सॉरी. थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दूसरी बार वापस बचा लिया. अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता. इट्स ओके. And I'm so sorry कि मैं कल वहाँ से वैसे भाग गई. Of course, I understand. आप very weird. तुम्हें पता है मुझे intuition थी कि ये तुम ही हो. I swear. इसलिए मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी कि मैं आके तुम्हें thank you बोलूँ. पर इससे पहले कि मैं तुम्हें thank you बोलूँ, तुमने मुझे वापस बचा लिया. अगर अभी तुम यहाँ पे नहीं होती ना तो मैं पक्का डूब जाती, क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता. तैरना मुझे भी नहीं आता. ओह, मतलब ये एक चीज हम दोनों में कॉमन है. क्या पता हमारे बीच कोई और चीज भी कॉमन हो. एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ना ब्रेकफास्ट ही करने वाले हैं. आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, उन्हें तैरना आता है. अच्छा, मतलब अगर हम दोनों पानी में डूब जाते तो वो हमें बचा लेते. हाँ, मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा.